एंड टुडे वी आर हियर इन उज्जवल स्प्राउट इंटरनेशनल एंड आज हम सब लोग यहाँ पर लाइव टॉक शो के लिए विच इज एजु टॉक विद स्टूडेंट्स एंड आई होप यू ऑल गोना एंजॉय दिस शो विद दिस वंडरफुल एंथुजियास्टिक किड्स हु आर प्रेजेंट विद मी एंड हम लोग इनसे कुछ बातें करेंगे, इनसे जानेंगे कुछ चीज़ें. एज स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस ऑल किड्स आर ओवर हियर एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम और उसके बाद उनके क्या एक्सपीरियंस रहे इस सारी चीज़ों के बारे में, पैंडमिक के टाइम पे उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह कैसे की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग इनसे जानने वाले हैं यहाँ पर. सो आई होप आप सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाओ इस लिंक के साथ सो दैट वी विल श्योरली स्टार्ट विद आवर अपकमिंग डिस्कशन विद ऑल दिस किड्स. एंड I hope you all are joined with it. Yeah. So okay. So I am Padmaja Gaisaz and hello all the students and parents who have joined us with on this Facebook for this live session of Edu Talk with students. So आज हम लोग यहाँ पर मौजूद सारे बच्चों के साथ कुछ बात करेंगे. COVID-19 के lockdown situation में सारी चीजें बंद हैं और especially schools बच्चों की care के लिए बंद रखी गई है. Unlocking phase start हो गया है लेकिन schools अभी तक start नहीं हुई है. और ये scenario में टीचर्स अपने घर से और बच्चे अपने घर पर फिर भी पढ़ रहे हैं, तो इन सब में इन बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहा है ये आज हम इन बच्चों से जानने वाले हैं. डेफिनेटली फिजिकली स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, दे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, दे आर मिसिंग देयर टीचर्स, देयर फ्रेंड्स, देयर स्टडीज, देयर पीटी पीरियड्स एंड मैनी मोर. वेल मैं ही सब कुछ बोल रही हूँ ऐसा लगता है ना आपको, कोई बात नहीं, रुकते हैं और इनसे बात करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस किड्स एंड हेलो एवरीवन. Hello, yeah. And it's a wonderful morning, so good morning also. Good morning, ma'am. Yeah, काफी दिनों बाद क्लास वाली फीलिंग आई. Yeah, okay. So we will start with a question that what would you say about this online education scenario? Okay, sorry. Before that, let us go for the introduction thing. हमारे साथ यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हम सबसे पहले उनका introduction लेंगे. So please introduce yourself. Myself Mansi Jangi and I am in standard 10th. Myself Atharva Panja and I am studying in 7th standard. Myself Deepika Ghaisas and I am in standard 10th. Myself Raju Chodi and I am in standard 7th. Myself Darshit Somaya, I am studying in standard 7th. Myself Ms. Sanjana Sandeep Bhojne and I am studying in standard 9th. Yeah, so once again welcome you all. एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप लोग स्कूल में नहीं आ पा रहे हो, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस होल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सिनेरियो? सो या दर्शित, ये ऑनलाइन क्लास जो हो रहे ये अब तक के तो किसी ने हुआ ही नहीं होगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपन ऐसे जूम मीटिंग पे ले सकते हैं. ओके, और तो फिर ये हमारे लिए नया और सबसे पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का. पर इससे प्रॉब्लम आती है आई बेन वो सब, तो फिर उसके लिए ये धूप में बैठना और टीवी वो सब नहीं देखना और सिर्फ ये थोड़े देर सो जाना दोपहर को, उससे हो जाता है वो ठीक. और ऑनलाइन स्टडीज में मैम इतना अच्छा सिखा रहे कि हम तो बोलते हैं कि ऑनलाइन में ही अभी करो. अच्छा, अभी ऑनलाइन ही चलना चाहिए एजुकेशन? हाँ, आपको ऐसा लगता इतना है? इतना अच्छा चल रहा है ऑनलाइन में. ओके, पर इसके नेट प्रॉब्लम में बहुत कुछ हमारा कभी कभी मिस हो जाता है. बहुत कुछ कभी कभी मिस हो जाता है. अच्छा, ओके. तो फिर वो एक थोड़ा एक और प्रॉब्लम है. सो द नेटवर्क इशू इज सम दैट प्रॉब्लम. या मानसी, या द ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ग्रेट एंड हम लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स जो हमारे लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं. और देखा जाए तो हमारे क्लासेस अप्रैल से ही स्टार्ट हो गए थे फॉर 10th स्टैंडर्ड. सो हमें अप्रैल में वीडियो या ऑडियो लेक्चर्स आते थे व्हाट्सएप पे और हमें उनको सुन के फिर हमारा जो होमवर्क रहता था वो कम्प्लीट करना होता था. जो भी हमें डाउट रहते हैं वो हम मैम से पूछ सकते हैं, उनको कॉल करें या फिर मैसेज करें, वो हमारे रिप्लाई देते हैं. और सब एकदम अच्छे से चल रहा है, समझ भी आ रहा है. और जैसे दर्शित ने बोला नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, सो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, बट अगर हमें कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो हम टीचर को पूछते हैं तो वापस एक्सप्लेन कर देते हैं. ओके, सो इट सेज कि काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, टीचर्स आर प्रॉपरली सॉल्विंग योर डाउट्स एंड एवरीथिंग. आपको कुछ कहना है? यस मैम, माई ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस. टीचर्स आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर अस एंड स्टार्टिंग में तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट भी होंगे, बट इट इज़ नाउ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस. सो इट इज़ गोइंग रियली वेरी नाइस. ओके, सो या
द एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस, लाइक इट्स वेरी ग्रेट. पहले जब स्टार्ट हुआ नहीं था तो एक दिन पहले मैं बहुत नर्वस थी कि यार कैसा होगा, समझेगा या नहीं, ऑनलाइन है कैसे होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे, बहुत स्ट्रेस था. बट जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे हमारे हमारे एक्टिविटी लाइक सेशंस भी होते हैं और वैसे ही हैप्पी पीरियड्स भी होते, जो जो ओवरऑल स्टडीज़ का जो स्ट्रेस था वो कम होता गया हैप्पी लेक्चर्स की वजह से और एक्टिविटी सेशंस की वजह से. और कॉन्सेप्ट्स भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे. बट कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम होता है, बट नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर नेटवर्क इशू. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस. एंड इन स्टार्टिंग आई वॉज थिंकिंग दैट वी हैव द हैबिट ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, सो हाउ इट विल हाउ वी विल कोप अप विद दैट, बट इवेंचुअली वी आर नाउ हैबिचुअल टू दैट, सो इट इज़ रियली वंडरफुल. ओके, सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली आप सभी लोगों का. डेफिनेटली शुरुआत में थोड़े से हम लोग डाउट में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देन इवेंचुअली आई गॉट अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. सो क्या एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो आप बताना चाहोगे एक फेस टू फेस एजुकेशन में और एक ऑनलाइन इंटरेक्शन में, ऐसी क्या एलिमेंट्स आपको लगते हैं कि जो बहुत डिफर कर रही है? या वी विल स्टार्ट विद संजना. ओके, सो नाउ मेजर डिफरेंस आई हैव ऑब्जर्व्ड इज जो पहले का स्केड्यूल था, रेगुलर स्कूल्स जब चलते थे तब स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा आता था. ओके, थोड़ा ज़्यादा आता था, बट ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ, पहले भी समझते थे बट ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से भी वो समझ रहे हैं. और ऑनलाइन लेक्चर्स ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं और पूरा दिन हमारे पास रहता है, हम वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरा दिन हमारे पास रहता है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं. तो दैट्स द मेजर डिफरेंस आई ऑल्सो. ओके, क्या मानसी? इवन जो हमारा स्कूल स्टार्ट थे तब जो शेड्यूल था कि पहले उठो स्कूल जाओ फिर बाद में वापस घर पे जाके पढ़ाई करो फिर ट्यूशन जाओ वापस आओ पढ़ाई करो, वो अब नहीं रहा. जो हमारा ट्यूशन स्कूल जाने का आने का टाइम था वो सेव हो रहा है, तो उतने टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर पा रहे हैं. और इवन हम लोगों ने घर पर भी बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी है एंड इसकी वजह से हमें हेल्प मिल रही है और हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हम लोग कोई भी पैंडेमिक में कैसे अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, यस राजी. मैम, हमको हम जब स्कूल में आते थे तो ऐसा बहुत हेक्टिक हो जाता था, जैसे घर पे फिर खाना खाओ फिर से ट्यूशन. अभी ऐसा नहीं है, हम खुद की क्रिएटिविटी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी हो रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है. इतना स्ट्रेस नहीं आता जितना पहले आता था. ओके, सो आई शुड से कि आप लोग या अथर्वा कुछ कहना चाहते हैं? मैम, जो हमारे जो मतलब टीचर लाइफ सिखाते थे स्कूल में, मेरे हिसाब से वो अच्छा था. पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वर्चुअल स्टडीज भी अच्छे नहीं है, वर्चुअल स्टडीज भी अच्छे है, पर कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आधा पार्ट मिस करते हैं. पर अभी अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सा मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, टीचर अच्छे से सिखा रहे हैं, बहुत सा समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वर्चुअल स्टडीज भी अच्छी है. ओके, फाइन. सो मैम, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज आई हैव लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस. ओके, या बिकॉज आई वॉज गेटिंग पैनिकिंग कि नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो हमारा मिस हो रहा है, बट इवेंचुअली मैंने सीख लिया कि अभी हमें काम रहना है, कोई बात नहीं हो जाएगा हमारा कवर अप. सो दिस इज द थिंग आई लर्न. ओके, सो आई थिंक कि पैंडेमिक हैव गिवन यू बिग वैल्यूज लाइक पेशेंस एज शी सेड, देन सेल्फ स्टडी ज़्यादा हो गया आपका, उसके बाद आप लोग क्रिएटिव ज़्यादा हो गए हो, फैमिली टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पैंडेमिक की वजह से हो रही है, राइट? ओके, सो और आपने ये भी कहा कि आपको जो हेक्टिक स्केड्यूल था उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है आपको, ज़्यादा टाइम यू कैन यूज़ फॉर योर सेल्फ स्टडीज एंड एवरीथिंग. फाइन. सो अभी एक और चीज़, जैसे वन टू वन क्लास में टीचर इज अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस इटसेल्फ, सो यू कैन जस्ट गो एंड आस्क टीचर एनी टाइम द डाउट्स इफ यू फील लाइक. बट इन दिस लॉकडाउन पीरियड एज यू आर कंटिन्यूसली एट होम एंड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर यू, सो हाउ? डेफिनेटली शी सेड कि आप उन्हें टेक्स्ट कर दो, कॉल कर दो, शी सॉल्व योर डाउट, बट देन स्टिल वी हैव सम टाइम रेस्ट्रिक्शन एज दे ऑल्सो हैव देयर फैमिली टाइम एंड एवरीथिंग. So how do you manage your studies? What is the family role comes in about the studies regarding to this? Ma'am, if we have any doubts, then obviously teacher solves it. But if the teacher is not available or as you said there are time restrictions, तो अगर कुछ doubts है तो हम जाके पूछ सकते हैं parents को and they definitely solve it. और अगर उनके लिए भी थोड़ा difficult हो तो हम वो पॉइंट मार्क करके रखते हैं और जब भी टीचर क्लास में होते हैं तब हम लोग पूछ लेते हैं या फिर जब टीचर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं तब हम लोग पूछ लेते हैं. ओके,
ओके या रशिद, हमारी एक टीचर एसएसटी की, उन्होंने कहा था कि दीक्षा ऐप पे करो, तो फिर वो मैंने डाउनलोड किया, उसके वजह से मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो नहीं ये नेटवर्क इशू की वजह से हो रहे थे वो भी समझ में आ रहा है दीक्षा ऐप में से। ओके या सो बेसिकली जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, दीक्षा ऐप विच इज अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा है उसके वजह से तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग योर डाउट्स सॉल्व। ग्रेट। ओके द अनदर थिंग इज कि हाउ हैज दिस, एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, क्लासेस भी वर्चुअली हो रही है, तो हमारा बहुत पहले से चलता आ रहा हुआ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है गूगल बाबा, तो हाउ हैज दिस गूगल बाबा हेल्प यू इन स्टडीज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड? या हम स्टार्टिंग में जब टीचर कुछ पूछते थे तो हम घर पे जाते थे, फाइंड आउट करते थे डिक्शनरी वगैरह से, तो अभी टीचर वर्चुअली कुछ पूछती तो हम उसकी मीनिंग डायरेक्ट गूगल पे जाके ऑन द क्लास गूगल पे जाके आंसर ढूंढ के लगे टीचर को आंसर्स दे सकते हैं। ओके, कैन गिव डायरेक्टली आंसर्स फ्रॉम गूगलिंग इट। ओके या अतरो, जब मतलब क्लास चालू रहते वर्चुअल स्टडीज मतलब जब चालू रहता है तो मैम अचानक किसी को भी क्वेश्चन पूछते इसका मीनिंग बताओ, तो हम मतलब इमीडिएटली जाते गूगल पे और सर्च करके भी देख सकते हैं, इतने मतलब हमारे यहाँ। ओके सो द वर्किंग हैज बीन फास्ट। ओके यस मानसी, यू वर सेइंग समथिंग। यस, जो डिक्शनरी का जो काम था, जो हम पहले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज रखते थे हमारे पास रोज स्कूल में भी कैरी करते थे हम, कोई मीनिंग नहीं है ढूंढो ऐसा, तो अब वो नहीं रहा क्योंकि अब हम फटाफट से गूगल पे ढूंढ सकते हैं, और अगर हमें कुछ नया जैसे बुक में कोई नया टॉपिक है जो हमें नहीं समझ रहा है या फिर टीचर एक्सप्लेन कर रहे तो भी नहीं समझ रहा है तो हम उसको गूगल पे देखते हैं, और या फिर YouTube पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी हेल्प हो रही है उससे भी। हम पहले इतना मतलब यूज़ नहीं करना जानते थे जो अब हम इस लॉकडाउन पीरियड में करना सीखे गूगल को। ओके, मतलब गूगल को भी आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है कि लॉकडाउन के पीरियड में। ओके ओके यस दर्शक, इसके ये गूगल में इन सब ने तो बोला कि हम ये डिक्शनरीज का वो सब, पर हमको अगर पूछा कि 10 कोई अलग ही चीज़ जो हमको मालूम ही नहीं है उसके 10 अलग ही अलग अलग नाम या फिर वैसा कुछ बोलो तो फिर वो भी हम गूगल में से कर सकते हैं, जैसे 10 शिप्स के नाम जो तो फिर वो गूगल में मिल जाते हैं वैसा अलग अलग शिप्स के नाम, अगर वैसा कुछ चाहिए तो फिर मिल जाते। ओके सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आल्सो इजीली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एंड यू आर एक्सप्लोरिंग इट इन अ वेरी गुड मैनर। जैसे हम उसको यूज़ करते थे गूगल को तो फिर हम नई नई चीज़ें सर्च करते हैं तो फिर हमें गूगल भी बहुत अच्छी हेल्प करता है कि फिर वो हमें वैसी टाइप की स्टोरीज या फिर वैसे टाइप की चीज़ें देता है, तो वो आर्टिकल्स को पढ़ के भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा है। ओके यस, एंड बिकॉज ऑफ गूगल एंड यूट्यूब हमारे जो कंसेप्ट है हम बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं, अगर हमें कोई एक कंसेप्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा और उसे हमें और जानना है तो हम सर्च कर सकते हैं और उससे हम वो सब नॉलेज गेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके सो बेसिकली द लिमिट्स हैज बीन रिमूव, यू आर स्टडिंग, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, आप लोग जो चाहे उतना पढ़ सकते हो, इट्स लाइक अ बिग ओशन विच हैज बीन देयर टू स्विम लाइक। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट या वेल ओके, जैसे कि हमने कहा था लाइव सेशन में आपसे कि कुछ लाइव क्वेश्चंस आप ऑडियंस के लिए यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं, सो इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नाउ, सो आपके लिए एक सवाल हम यहाँ पर अब रखेंगे और आप फटाफट उसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो द क्वेश्चन इज Who won the match yesterday in the IPL? Okay, so किसने मैच जीता कल IPL का, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करिए। या सो आई होप आप लोग आंसर मत बताना, आपको पता भी होगा तो फॉर द ऑडियंस। ओके ऑल राइट, सो एज यू आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई अबाउट एजुकेशन थिंग। अभी एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन आया होगा ना कि यार स्कूल्स तो चालू हो गए, अब टीचर पढ़ा भी रहे हैं, फिर तुमने सोचा कि एग्जाम्स कैसी होगी? कुछ होते हैं ना थोड़े एग्जाम से डरने वाले, भाई आई एम स्कैर्ड ऑफ एग्जाम्स अ लॉट, तो मैं होती तो चलो अभी पढ़ाते हो रहे लेकिन एग्जाम्स तो नहीं होगी, कैसे होगी एग्जाम, है ना? सो व्हाट इज द एग्जाम सिनेरियो व्हिच हैज हैपेंड विद यू? यस राजू मैम, हम पहले यानी वो कैसे होंगे एग्जाम और इतनी स्टडी कर रहे, फिर जब टीचर्स बोले क्या पेपर शेयर करेंगे फिर करेंगे एंड गूगल कंसेप्ट, तो हम वो गूगल कंसेप्ट और भी एक्साइटिंग हो गए, वाह गूगल कंसेप्ट वगैरह। ओके
तो उससे हमको यानी स्ट्रेस भी कम आता है और हम ऑनलाइन लेक्चर में सब सीख लेते हैं तो घर पे भी स्टडी करने का कम ये होता है स्ट्रेस तो सॉल्व करने के हमको हैबिचुअल हो गए। पर स्टार्टिंग में हम बहुत एक्साइटिंग थे कैसे होंगे क्या होंगे ऑनलाइन कैसे करेंगे। मैंने तो सोचा था कि होनी नहीं चाहिए एग्जाम। अच्छा ऐसे होनी नहीं चाहिए एग्जाम। हमारी जो SST की मैम है उन्होंने एग्जाम में जो KBC जैसा खिलाया था चार ऑप्शन दिए थे और क्वेश्चन वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। और गूगल मीट पे जो पेपर्स है हमारे वो भी बहुत ही अच्छे है। उसमें क्वेश्चन रहते और चार ऑप्शन उसमें ही रहते हमको सिलेक्ट उसमें ही करना है। MCQ पैटर्न बेसिकली MCQ बुक में नहीं लिखना है हमको उसमें ही करना है। तो फिर हमारा जो लिखने का वो रहता था वो भी थोड़ा कम हो गया। स्ट्रेस ओके राइटिंग स्ट्रेस ओके यस संजना आई वाज सेइंग समथिंग। टीचर पहले तो बहुत स्ट्रेस था कि एग्जाम्स कैसे होंगे समझेगा या नहीं टाइम लिमिट होगी तो उसमें पेपर कंप्लीट होगा या नहीं या फिर हम लोग पैनिक हो जाएंगे अभी ये करो अभी ये करो अभी वो करो। तो बेसिकली कुछ हमारे सब्जेक्ट पेपर ऐसे हुए कि गूगल में स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन होता है तो टीचर और जूम पे स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन होता है तो टीचर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका टीचर स्क्रीन शेयर करते थे एंड वी हैव टू राइट द आंसर्स विदाउट द क्वेश्चंस। जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चंस हमें लिखने पड़ते थे। और SST का एज दर्शित सेड इट वाज वेरी नाइस एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले KBC सो या दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड अभी जो एग्जाम्स होने वाला है वो गूगल पे होने वाला है तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि उसमें जो नेटवर्क इशू होता है वो भी नहीं होने वाला है ऐसा मैंने सुना। तो इट विल बी नाइस। नेटवर्क इशू नेटवर्क या मानसी या तो एग्ज़ाम्स जो थे वो बहुत अच्छे से हुए। मतलब पहले बहुत स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम कैसे होगी किस पे लिखना है कैसे लिखना है फिर स्कूल में कैसे पहुंचाएंगे टीचर को अगर फ़ोटो भेजते हैं टीचर फ़ोटो से कैसे चेक करेंगे तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और सोच भी रहे थे बट अभी वो सब सॉल्व हो गई है क्योंकि हमारे जो जूम के एग्ज़ाम्स थे वो बहुत अच्छे से हुए। स्क्रीन शेयरिंग था तो फिर हमें बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना था और फिर बाद में टीचर को फ़ोटो सेंड करना था और फिर बाद में जैसे हमारे पेरेंट्स ने आके स्कूल में सारे पेपर सबमिट करा दिए थे। सो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि हमें एग्ज़ाम के लिए स्कूल में आना पड़ेगा या फिर वैसी कुछ चीज़ें कि हमें यहाँ सेफ्टी नहीं है ऐसा तो वो चीज़ें नहीं है। और अभी जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे उसमें MCQ पैटर्न है तो मतलब अगर 50 मार्क का पेपर है तो 30 MCQs रहेंगे और 20 मार्क्स में राइटिंग में रहेगा जो ब्रीफ्स है या फिर जैसे इंग्लिश इस सब्जेक्ट के लिए राइटिंग स्किल्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है हमारे लिए। कल ही हमने एक पेपर सॉल्व किया GK का सो इससे हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऊपर से हमारे जो मैम है जो सारे सब्जेक्ट की टीचर्स हैं वो लोग हमेशा हर वीक टेस्ट लेते रहते हैं हमारे तो वो टेस्ट से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। वो टेस्ट से हमें एग्ज़ाम का आइडिया आता है कि मैम कैसे क्वेश्चन डालते हैं क्या फॉर्मेट में एग्ज़ाम होती है सो इट्स गोइंग ग्रेट। ओके सो बेसिकली रिविजन सेशंस वगैरह ये भी बेसिकली पूरा रेगुलर स्कूल की तरह आपका वर्किंग चल रहा है। नेटवर्क इशू का एक बात बोला किसी को ऐसा कभी हुआ कि अरे नेटवर्क अटक गया? यस मैम। एंड मेरे साथ एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ था SST का पेपर था मेरा तो मेरा ध्यान नहीं था और बैटरी सडनली लो हो गई और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं इतनी पैनिक करने लगी रोने लग गई थी मैं एंड देन मेरी मम्मी बोली वापस कनेक्ट कर। मैंने वापस कनेक्ट किया तो तब मैं ब्रीफ लिखवाना चालू था तब मेरे दो रह गए थे तो मैंने वो क्वेश्चन मैम को बोला कि मैम क्वेश्चन रिपीट करो तो मैम ने वो क्वेश्चन भी रिपीट किया और फिर मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था तो फिर वैसे भी मेरी बहुत हेल्प हुई। ओके सो बेसिकली टीचर्स आल्सो हेल्प्ड यू थ्रू दिस नेटवर्क टू ओवरकम दिस नेटवर्क इश्यूज राइट? यस सर। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब मैम रीडिंग करने को बोल रही थी और मैम ने मुझे बोला रीडिंग करने को और मैं अचानक से डिसकनेक्ट हो गया तो मैं इतना डर गया कि मतलब मैम मुझे डांटेंगे क्या करेंगे। फिर मैंने वापस किया तो तब तक मैम ने दूसरों को रीडिंग बोल दी फिर वापस मुझे बोल दिया। ओके सो नो स्ट्रेस थिंग्स वर गुड। जितना आपको स्ट्रेस आता है इट वॉज नॉट अप टू दैट बैड वर्स कंडीशन। ओके यस द सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑन द टाइम ऑफ ज्योग्राफी पेपर और इट वॉज द पेपर ऑफ 1 hour एंड ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर आई वॉज नॉट देयर इन द लेक्चर एंड I was really getting panicking so I called teachers she told me that don't worry and then fortunately my network came and then I joined then teacher repeated it for me so
आई थैंक इट फॉर थैंक फॉर दैट थिंग टू टीचर. या सो वो यहीं से लगता है आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा सीखा, द बिग थिंग इन आइडिया. ओके देन अदर थिंग इज सी, जैसे अभी आपका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है मोबाइल का वगैरह, तो हाउ डू यू मैनेज विद दिस स्क्रीन टाइम एंड ऐसा कहते हैं काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं मोबाइल यूजेज के, जैसे आँखों पर स्ट्रेन आना, मेंटली स्ट्रेस आउट होना, इरिटेशन होना, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो हाउ डू यू मैनेज विद दैट. बट वेट, ये सवाल से पहले हम लोग ने थोड़ी देर पहले ऑडियंस को एक सवाल पूछा हुआ था दैट हु वन द IPL मैच यस्टरडे. तो आई होप आप लोगों ने इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दिए होंगे. तो ओके, तो उसके विनर का जो नाम है वो हम लास्ट में ज़रूर बताएंगे. सो आप जुड़े रहिए हमारे साथ. और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको इन बच्चों से कुछ और सवाल पूछने हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपके सवाल टाइप कर सकते हैं. आपके सवाल हम इन बच्चों से ज़रूर पूछेंगे. सो मूविंग एंड कंटिन्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो हाउ डिड यू मैनेज द स्क्रीन टाइम एंड स्ट्रेस इश्यूज़? वी विल स्टार्ट विद दर्शित. फाइन, स्क्रीन टाइम का मैंने पहले भी बोला था कि आई स्पेन होता है तो फिर उसके लिए सो जाना दोपहर को वो सब. और बैठने से बैक पेन भी होता है. और अगर ये आई स्पेन को कम करना है तो फिर ब्राइटनेस कम कर दो, फुल लो. ओके, और है ना, एक फीट की दूरी वैसा रखो तो फिर उससे आई स्पेन कम होगा. ओके, सो दैट इज द सेम. या ओके राजू, मैम हमको है ना प्रिंसिपल मैम ने भी बोला था कि 1 फीट की दूरी रखो, दूर बैठो, अच्छे से कंफर्टेबली बैठो, उससे आइस स्ट्रेस कम होता है, आइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन यूज़ करो. तो हम वो सब यूज़ करें तो हमको स्ट्रेस ही नहीं आता है बिल्कुल. अच्छा ओके, या तो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही हो रहा है. हम 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पे बैठ रहे हैं. एग्जाम पे भी हम लोग वैसे ही बैठे थे. एंड फॉर मैनेजिंग द मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा तो होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है. बट फिर भी फॉर मैनेजिंग दैट माइनर मेंटल स्ट्रेस आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड इट्स रियली हेल्पिंग मी आउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली एंड इट्स हेल्पिंग मी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज. ओके यस मानसी, या हमारे स्कूल में जो सुबह सुबह 8 और 8:30 मैम PT लेक्चर्स लेते हैं, सो वो PT लेक्चर्स की वजह से हमें हेल्प हो रही है इन चीज़ों से ओवरकम करने की. लाइक अगर बैक पेन होता है तो मैम उसके लिए अलग एक्सरसाइज बताते हैं, आई पेन के लिए अलग बताते हैं. एंड इवन मेडिटेशन भी हो रहा है. और ऐसे भी नहीं है कि PT क्लास है तो मतलब एक्सरसाइज ही करो, या ऐसे हम गेम्स भी खेलते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है. और तो इससे हमें PT लेक्चर से बहुत हेल्प मिल रही है. और स्ट्रेस की बात की जाए तो हमारे प्रिंसिपल मैम हर सैटरडे हमारे हैप्पी पीरियड लेते हैं. ओके हैप्पी पीरियड, या ऑल राइट. सो व्हाट इज दिस हैप्पी पीरियड, व्हाट डू यू डू इन इट? या एक्चुअली हैप्पी पीरियड में हम लोग मैम के साथ बातें करते हैं. सो इन बातों में हम जनरल टॉक करते हैं, जैसे कोई पढ़ाई के बारे में नहीं. जैसे वो हमें अलग अलग टिप्स बताते हैं, लाइक तुम्हें अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो तुम क्या कर सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें. अगर हमें कोई चीज़ शेयर करनी रहती तो हम वो भी करते हैं. तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है लाइक वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड. और इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है. और ऐसा ही नहीं कि हम एक ही क्लास रहते हैं, मैम के लेक्चर में 2 या 3 क्लासेस रहते हैं. तो उससे क्या कि हमें हमारे जूनियर्स और सीनियर्स के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. सो उससे भी हमें बहुत हेल्प होती है. ओके यस दर्शित, जैसे कि दीदी ने एक्टिविटी का बोला, एक्टिविटी में हमें योगा और मेडिटेशन ये सब कराते, उससे आई पेन बैक पेन तो वो सब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं हमको. ओके, कुछ भी दर्द होता लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है. ओके, तो फिर ये एक्टिविटी के वजह से हमारा स्ट्रेस सब निकल जाता है. और दीदी ने ये भी बोला कि हैप्पी पीरियड होता है उसमें मैम हमको बोलते हैं कि ये आई पेन के लिए क्या करना चाहिए वो सब. और मैम का एक चैनल है ब्रेनी विनी, उसमें भी हमको बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं कि क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं. ओके, सो बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि PT पीरियड नहीं है तो फिर ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें से कहा कि PT मैम सुबह सुबह तुम्हारा ये सारा एक्सरसाइज वगैरह लेते हैं तो तुम लोग वैसे ही स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, क्योंकि PT पीरियड में तुम अल्टीमेटली जाके थोड़ा एंजॉय करते हो, वो स्ट्रेस बस्टर ही होता है. तो कैन आई से दैट इट्स ओके इफ यू आर नॉट हैविंग अ PT पीरियड, या फिर स्टिल मिस इट? नो, यू स्टिल मिस द PT पीरियड, राइट? ओके फाइन. देन व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू हैव फाइंड इन योर स्टडी पैटर्न्स? लाइक ओके, लाइक इफ आई वांट टू से कि आपके स्टडी पैटर्न में लाइक यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद योर अदर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, सो आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपके स्टडी पैटर्न में
और अदर स्टडी पैटर्न पे. ओके, वी विल स्टार्ट विथ राजवी. मैम, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका कैसा स्टडी पैटर्न है कि टीचर्स आती है, प्रेजेंटेशन ऑन कर देती है, फिर वो ऐसे ईयरफोन लगा के खींचे मोबाइल खेलते हैं, कॉल्स हो, हमारा टीचर हमारे साथ बातें करती है, रीडिंग लेती है. तो जैसे हम स्कूल में करते हैं सब वैसा ही, ओनली नॉट फिजिकली, ओनली वर्चुअली. तो वो एक बहुत अच्छा है कि हमको बस प्रेजेंटेशन देखने को या वो नहीं है, बस टीचर सिखाती है, रीडिंग लेती है, उससे बहुत अच्छा लगता है. ओके, यस, यू आर सेइंग मानसी. यस, हमारे बाकी फ्रेंड्स जो है उनके जैसे लेक्चर जो है वो मोस्टली ऑनलाइन नहीं कंडक्ट होते हैं. उनके स्कूल ने एक ऐप रखा है, सो वो मैम उस ऐप पे डाल देते हैं अपना वीडियो और फिर वो बच्चे देखो और फिर अपना बुक्स कंप्लीट करो, उसको सुनो, समझो, और कोई डाउट हो तो मैम से पूछो. सो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि पेरेंट्स से मोबाइल ले लेते हैं कि मामा मेरा लेक्चर है, और फिर बाद में वो गेम खेलते हैं, मतलब मैम के लेक्चर्स को नहीं सुनते हैं, जिससे उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं. सो हमारी स्कूल जो ऑनलाइन ले रही है तो उससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है. अगर कभी मूड भी नहीं हुआ तो भी हमें सुनना पड़ता है, और सुनने भी मूड बन जाता है. अच्छा. हाँ, और ऊपर से फ्रेंड्स को देखने के बाद भी बहुत अच्छा फील होता है. सो ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं हमारे. ओके, यस दर्शित. मेरा जो भाई है उसका क्लासेस का ऐप है, और उसमें जिसने किया फिर होमवर्क नहीं किया, और उनके मैम बोलती है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और वो दूसरे बच्चे देखेंगे. यानी वो बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा एंड ही विल शेयर इट विद हिज फ्रेंड्स. ओके, और तो बहुत. और अगर वो नहीं बनाए, सब बनाएंगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा वो शेयर करेंगे. और अगर किसी ने नहीं बनाया तो फिर उसको ऑनलाइन क्लास वो मैम लेती है, उसमें नहीं बैठने देती, और उसके बाद रिकॉर्डेड में बाद में वो आएंगा जब क्लास खत्म हो जाएगा उसमें बैठने को बोलती है. और मैम कभी कभी यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस डाल देती है. ओके, काफी लंबा प्रोसीजर है यार. यस, मैम मेरा जो एक मतलब दोस्त है, मतलब उसके ऑनलाइन क्लास नहीं होते, उसके मतलब जो उनके टीचर्स है उनके स्कूल के, वो उनको वीडियोस भेजते, मतलब ऑनलाइन नहीं होते, तो कभी कभी उसको मतलब वो वीडियो से कुछ समझ में नहीं आता, वो मतलब पूछता है तभी भी मैम मतलब बताते हैं, पर ऐसा उसको क्लियर नहीं होता है. पर हम मतलब ऑनलाइन हो रहे तो हमें सब समझ में आ जाते हैं, सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं. ओके, आप कुछ कह रहे हैं? यस मैम, द सेम कि किसी किसी के ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं चालू है, उन्हें अभी भी टीचर्स वीडियो लेक्चर्स भेजते हैं, सो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होते हैं. और हमारे कैसे रिवीजन सेशन चलते हैं, टेस्ट लेते हैं वीकली, सो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और स्टडी पैटर्न एकदम अच्छे से चल रहा है, एंड टीचर इज कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन. सो वी आर रियली एक्सपीरियंसिंग अ नाइस थिंग. ओके, हमारा सब सेम चालू है जैसे स्कूल में आते थे वैसा ही, ओनली इट इज नॉट फिजिकली, इट इज वर्चुअली, तो ऐसा कुछ डिफरेंस ज्यादा कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है, बस जैसे चल रहा है खाली क्लास में नहीं है, विद द ज़ूम, राइट? ओके, यस संजना, यू आर सेइंग द सेम थिंग दैट एवरीवन सेड कि बाकी कुछ लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं चल रहे, वो वीडियो और ऑडियो लेक्चर से उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हो रहे, तो उनके कंपैरिजन में हमारे स्टडीज मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जूम पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का वाइट बोर्ड जो ऑप्शंस होता है उस पर से टीचर हमें अलग अलग जो सपोज फिजिक्स है तो फिजिक्स के टर्म्स एंड यूनिट्स हम इजीली समझ पा रहे हैं, फॉर्मूलेज इजीली हमें समझ में आ रहे हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट दूसरे स्कूल्स में बस स्टडी ही होता है, बस सब्जेक्ट वाइज उनका स्टडी पढ़ाई ही होता है. उनके कंपैरिजन में हमारे स्कूल में एक्टिविटी सेशंस होते हैं, हैप्पी पीरियड्स होते हैं, मतलब हम ओवरऑल सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हम फिजिकल फिटनेस पे भी फोकस कर रहे हैं, हम मेंटल फिटनेस पे भी फोकस कर रहे हैं, और एंजॉयमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं. okay. तो वो लोग बस स्टडीज पे ही फोकस कर रहे हैं, सो दैट्स द डिफरेंस आई ऑब्जर्व. ओके, सो एक्टिविटीज कॉम्पिटिशंस एंड ऑल आल्सो दे आर कंडक्टेड. यस मानसी. या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिनके वीडियो लेक्चर्स आते हैं, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग गेम खेलते हैं, सुनते नहीं है उनको, या जो सुनते भी हैं उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो बहुत बार मुझे कॉल करते हैं, या फिर मेरे घर पे भी आके वो पूछते हैं कि ओह माय गॉड, आने देते हैं आप? सैनिटाइजेशन करते हैं. अच्छा, ओके. तो मतलब वो मेरे को पूछते हैं, यार मेरे को ये कंसेप्ट बता, तो फिर वो कभी कभी बोलते हैं, यार काश में भी तेरे स्कूल में होती. अच्छा. तो मतलब उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो हमें मिल रही है, और इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है.
ओके, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा टीचर वाला प्रैक्टिस भी कर रहे हो अपने दोस्तों को पढ़ा पढ़ा के. ओके, हमारे भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं. ओके, आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. हम एक्सप्लेन कर देते हैं, हमारा भी रिवीजन हो जाता है उसमें. ओके, दैट्स अ वंडरफुल थिंग. ओके, सो हियर आई एम विद द सेकंड क्वेश्चन विद द टू द ऑडियंस. आई होप आप लोग इनकी बातें जरूर एंजॉय करोगे. और हम यहाँ पर अभी सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन वॉज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ COVID-19 फाउंड इन इंडिया एंड वेयर? COVID-19 का पहला पेशेंट इंडिया में कहाँ पर मिला और कब मिला? फटाफट आपके आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिए. और अगर आपको भी और कोई सवाल है जो इन बच्चों से आपको पूछना है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो. ऑल राइट, आप लोग जो भी सवाल है, क्वेश्चंस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इन बच्चों के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा. और ये क्वेश्चंस के सही जवाब किसने दिए, ये जानने के लिए आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से कि जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो गए हो, राइट? और इसने कहा कि भाई काफ़ी सारे आपके जान पहचान वाले लोग भी यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह भी खोल रहे हैं. और हमारे साथ यहाँ पर राजवीर चौड़िया है, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है ना राजवीर? तो आपका यूट्यूब चैनल और आपकी पढ़ाई दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हो? मैम स्कूल तो यानी 3 आवर्स से होती है, तो उसके बाद हम सेल्फ स्टडी करते हैं और आधी कंसेप्ट से भी ज़्यादा कंसेप्ट हमको स्कूल में ही समझ आती है, तो घर पे स्टडी का बहुत ही ज़्यादा कम स्ट्रेस रहता है. स्टडी बहुत ही ज़्यादा कम स्ट्रेस रहता है यानी लगभग स्टडी नहीं करनी पड़ती है. तो फिर उसकी वजह से हमको क्रिएटिव चीज अलग अलग सोचने के लिए, इमेजिनेशन के लिए टाइम मिलता है. तो फिर उससे हम अलग अलग क्राफ्ट बनाते हैं, खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली का ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सोचते हैं क्या कैसे बनाना है, क्या बनाना है. तो उससे हमको बहुत सारी क्रिएटिविटी समझ में आती है. ओके, सो दैट्स हाउ यू मैनेज द थिंग. और भी लोग होंगे आपके कुछ हॉबीज, आपको काफी टाइम मिलता होगा आपके फेवरेट थिंग्स के लिए. ओके, लेट्स गो विद द मानसी फर्स्ट. या एज राजवीर सेड, हमें जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में पढ़ने के बाद में अगर रिवाइज भी नहीं की तो भी याद हो जाती है. ओके, टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं और इसी वजह से ना हमें हमारे हॉबीज़ के लिए टाइम मिल रहा है. लाइक मुझे सिंथेसाइजर प्ले करना अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है, कुकिंग में मैं थोड़ा कर लेती हूँ अभी. ओके, तो फिर मेरे को उन सब चीज़ों के लिए टाइम मिल रहा है और इसी वजह से मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मैं अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू कर पा रही हूँ. वरना जब स्कूल चालू थे तब टाइम नहीं मिलता था इतना, तो मतलब लाइक संडे आया तो फिर कुछ ना कुछ कर लिया. बट अभी ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ कर, सो अभी मैं रोज कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ. ओके, कुकिंग में? हाँ, या कुकिंग में जब ट्राई करती हूँ तो मम्मी बोलती है कि पक्का करेगी. तो थोड़ा बहुत खराब होता भी है, अच्छा भी बनता है, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि या वी कैन ऑल्सो डू. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड. ये जो हॉबीज के लिए हमको ये टाइम मिल रहा है उसके वजह से मेरे को मेरा फेवरेट गेम जो क्रिकेट है वो तो नहीं, लेकिन मेरा सेकंड फेवरेट गेम कैरम, वो मैं रोज मेरे पापा के साथ खेलता हूँ. okay. वो मेरे को बहुत पसंद है, तो फिर उसके लिए टाइम मिल जाता है. ओके, सो आपका हॉबी भी हो रहा है और आपके फैमिली के साथ भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रहे हो. संजना, आप कुछ कह रहे थे? या मैम, पढ़ाई के लिए हम लोग ज्यादा टाइम अभी नहीं देते हैं, मतलब लेक्चर्स में ही आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो स्टडीज़ के लिए बहुत कम टाइम देना पड़ता है. बट अदर देन स्टडीज़, दूसरे स्टडीज़ भी मैंने स्टार्ट किए हैं. okay. जैसे कि मैं जनरल नॉलेज पढ़ती हूँ, मैंने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना स्टार्ट किया है. एंड देन अदर हॉबीज भी है मेरी, जैसे सिंथेसाइजर मैंने इम्प्रोवाइज लेवल पे सीखना चालू किया है. एंड मैंने ट्रीज भी प्लांट किए जो कि मुझे बहुत पहले से करना था, तो मैं उनका ध्यान भी रखती हूँ. एंड फैमिली टाइमिंग भी बढ़ गया है अभी. एंड या सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल. एंड मेडिटेशन की वजह से, मेडिटेशन में मैंने स्टार्ट किया है लॉकडाउन की वजह से. ओके, सो या क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है. कुकिंग भी मैं कर रही हूँ. ओके, सो काफी ज्यादा आप लोग अलग 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 एक्टिविटीज कर पा रहे हैं. राजवीर, आप कुछ कह रहे थे? या मैम, तो हम अभी एक्स्ट्रा टाइम यानी ऑनलाइन जाते देखते हैं अलग अलग चीजें, जैसे कि मैं रोबोट का देखता हूँ, कुछ मैकेनिकल सीखता हूँ, तो फिर वो बनाने में हम ऑनलाइन देख के और एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, यानी स्टडी के अलावा और एक्स्ट्रा यानी रोबोटिक्स सीखना वगैरह. तो फिर एक रोबोट भी बना रहा हूँ, तो उससे वो हो रहा है.
स्टडी हो रही एक्स्ट्रा. अच्छा लॉकडाउन के पीरियड में बस साइंटिस्ट बन के ही निकलोगे अभी जा रहा है. यस अतर जो हमारे मतलब ऑनलाइन क्लास होते वो 3 घंटे होते तो हमें पूरा दिन मिल जाते मतलब आधा मतलब बहुत सा पूरा आधा मतलब पूरा मतलब आधा सा दिन मिल जाते पूरा. ओके मोर देन हाफ डे यू कैन यूटिलाइज फॉर योर थिंग्स. मतलब अभी मुझे डांस मेरी हॉबी तो कभी कभी मतलब आधा टाइम मैं डांस को देता हूँ और जो बचा हुआ टाइम है वो फैमिली को देता हूँ मैं मतलब. okay. अगर मेरे पापा के साथ मैं चेस खेलता हूँ और अगर और भी टाइम बच जाता है अगर मुझे और बोर हो रहा है तो मैं यूट्यूब पे जाके कुछ और देखता हूँ. okay. मतलब अगर रिमोट कंट्रोल कार कैसे बनाए और अगर और कुछ देखना है क्राफ्ट तो मैं देखता हूँ. ओके रिमोट कंट्रोल कार आपके लिए पार्टनर भाई. ओके ऑल राइट सो बेसिकली आप लोग लॉकडाउन के पीरियड में अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं. ओके सो उसके लिए अब टाइम देना कंपलसरी है तो आपको समझ गया. सो व्हाट विल यू कंटिन्यू दिस थिंग इवन आफ्टर द पैंडेमिक एंड थिंग्स गेट नॉर्मल सो विल यू डेफिनेटली गिव दिस टाइम फॉर द थिंग्स. यस दर्शन अगर मुझे टाइम मिला क्योंकि सुबह स्कूल और उसके बाद दोपहर को क्लास और उसके बाद दोनों के होमवर्क स्कूल और क्लास के होमवर्क तो फिर उसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है ये अपनी एक्टिव ये हॉबीज को टाइम देने के लिए. पर अगर मुझे रात के टाइम पे थोड़ा टाइम मिल गया तो फिर मैं ज़रूर करूँगी. ओके तो यस संजना या ऑब्वियसली आई विल गिव द टाइम. और जैसे मुझे अभी समझ गया है कि सेल्फ स्टडी से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं. तो अगर जब टीचर सिखा रहे हैं तभी हम टीचर के पास कॉन्सेंट्रेट टीचर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और बाकी टाइम हम अब हमारे हॉबीज को दे सकते. तो आई विल डेफिनेटली गिव टाइम टू माई हॉबीज एंड आई विल कंटिन्यू इट. या श्योर डेफिनेटली श्योर. या आफ्टर स्कूल रीओपन्स हम ट्राई करेंगे कि हम अपने हॉबीज को कंटिन्यू कर पाए. पर जैसे तब वी आर नॉट श्योर कि हमें उतना टाइम मिल पाएगा जितना अभी हमें मिल रहा है. सो आई एम ट्राइंग कि जितना हो सकता है मैं इसी पीरियड को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकूँ. ओके आफ्टर स्कूल रीओपन्स इट इज़ रियली हार्ड टू गिव टाइम टू अवर हॉबीज बट आई विल श्योरली ट्राई टू टेक सम टाइम अपार्ट एंड गिव इट टू माई हॉबीज. सो आई विल रियली डू दैट. हाँ यार कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो टाइम तो डेफिनेटली निकालना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स है लोग क्या कुछ नहीं करते 24 आवर्स में. तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड विद द थिंग. ऑल राइट सो हम फिर एक बार जाएंगे ऑडियंस के पास थर्ड क्वेश्चन के लिए जो कि हमारा शायद सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है. तो द कंट्री वेयर वॉलीबॉल ओरिजिनेटेड ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वॉलीबॉल ओरिजिनेट हुआ था. जल्दी से इस सवाल का जवाब आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड अगर आपको भी लगता है कि आपको इन बच्चों से कुछ सवाल पूछने हैं तो आप डेफिनेटली आपके सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. हम आपके सवाल इन बच्चों से ज़रूर पूछेंगे. ऑल राइट एंड स्टे ट्यून इन सवालों के जवाब सही जवाब देने वाले विनर्स के नाम हम इस सेशन के एंड में बताएंगे. तो कीप वॉचिंग मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करके आया हो है ना. या ऑल राइट सो एज यू सेड कि आई वुड लाइक टू आस्क यू भाई टीचर्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन था काफ़ी मतलब क्लास में ऐसा और जैसे कि मानसी ने कहा कि मूड नहीं होता है फिर भी पढ़ना पड़ता है. तो क्या आप लोग अभी टेक्नोलॉजी है भाई कुछ ना कुछ PhD तो तुम भी कर ही रहे होगे. मैंने सुना है जूम में काफ़ी शैतानियाँ करते हो तुम लोग है ना. तो क्या ऐसा तुमने कभी किया है कि कोई लेक्चर हमको बोर हो रहा है तो बस पॉज करके चले गए किधर ऐसा कभी कुछ किया है. सच्ची सच्ची बताना एक बार तो किया ही होगा ज्यादा नहीं एक बार तो एक बार मुझे एक मतलब एक एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे. हिंदी का लेक्चर बहुत बोर हो रहा था मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि करे ये लेक्चर बहुत ही बोर हो रहा था. मैंने मतलब कैमरा पे ऐसे हाथ रख दिया और स्क्रीन ब्लैक रख के पोस्ट चला. ओह माय गॉड दैट इज सो बैड. यस मानसी आप कुछ शेयर करो. मेरे को एक बार बहुत बोर हो रहा था और उस दिन मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने मेरे बाकी दोस्तों को पूछा कि तुम्हें पढ़ने का मन है क्या. तो सब लोग कोई बोलता हाँ कोई बोलता थोड़ा थोड़ा कोई बोलता नहीं. तो फिर ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फिर लेक्चर के बाद में कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग. ओके तो फिर हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया
कि अगर हम अभी पढ़ लेते हैं अच्छे से मूड बना के, तो फिर हम शाम को वीडियो कॉल करेंगे सारे दोस्त मिलके। सो फिर उस वीडियो कॉल के लिए हम सब लोग अपना मूड बना के लेक्चर में बैठे। तो मतलब वो ऐसा हो गया कि अगर हम लेक्चर में नहीं बैठते तो हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल नहीं कर पाते शाम को। तो फिर इससे हमारा एक अलग मूड भी बन गया कि चलो अपन को वीडियो कॉल करना है तो अपन को बैठना ही पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके Yes, दर्शित। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे बोर हो रहा है। हाँ हाँ। जो मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है वो मेरे पहले से क्लियर हो जाते हैं। ओह माय गॉड, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर जब टाइम मिलता है मेरे को फ्री तो फिर मैं मैथ्स कर लेता या फिर कैरम के। तो फिर मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर जब मैम सिखाती है तब मैं थोड़े 10-1 मिनट के लिए जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि मोबाइल वगैरह तुम यूज करते हो, और मैंने कहा कि मोबाइल के काफी सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, एंड जैसे इरिटेशन होना, काफी मूडी हो जाना। तो वैसे तुमने शेयर तो किया कि तुम अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी वगैरह करते हो, फैमिली टाइम्स अच्छे से स्पेंड वगैरह करते, बट देन स्टिल कभी कभी ऐसा होता है अनोइंगली। तो हाउ डू योर फैमिली हैंडल योर दिस मूडीनेस रिगार्डिंग टू सम थिंग्स? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है सर, इन माई फैमिली ऑल्सो आई हैव अ सिस्टर एंड शी इज समटाइम गेट मूडी। तो आपकी फैमिली कैसे हैंडल करती है आपके ऐसे मूड स्विंग्स को? यस दर्शित। पापा और जो मेरा भाई वो मेरे साथ खेलते हैं, और अगर बोर हो रहा है तो फिर मैं मम्मी की हेल्प कर देता हूँ। मतलब संडे टू संडे ये फर्नीचर का वो थोड़ा कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। फर्नीचर नहीं बनाते ना और अपनी जो बुक्स का वो ड्रॉवर रहता है वो क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद मेरे ड्रेसेस का भी कबाट जो ये रहता है वो क्लीन कर देता हूँ मैं। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ रहा है आपका। यस। और यस मैम, लेक्चर्स के बाद चिड़चिड़ तो होती है कि इतने देर एक ही स्क्रीन के सामने बैठो, स्टिल सुनो। तो फिर मम्मी भी प्रॉपर केयर लेती है उसमें, बीच बीच में जब लेक्चर चालू होते तो पानी देना, कुछ चाहिए या नहीं वो पूछना, लेक्चर्स के बाद भी केयर लेती है। सो कुछ नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे दीपिका ने बोला बीच बीच में खाने के लिए मिलता है, पीने के लिए मिलता है पानी, तो फिर तो मतलब वो सब चीज़ें घर वाले उसकी केयर ले रहे हैं। और मेरा भाई है, जब मेरा मूड खराब होता है जानबूझ के झगड़ा करता है, और फिर वो झगड़ा करेगा तो उसको एक हाथ ही मार पड़ भी जाती है, तो फिर उसको पता है कि अगर मैं उसको मारूंगी तो फिर मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो वो बहुत कोऑपरेटिव और पिटवा लेता है। ये सही है, सॉर्टेड। आप कुछ कहना है संजना? या अगर मूड स्विंग्स होते तो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स टॉलरेट इट, बट कभी कभी ओवर हो जाता है तो ऑब्वियसली वो भी मेरे पे चिढ़ते हैं। एंड ज़्यादा इरिटेशन होता है तो एज आई सेड ऑलरेडी दैट आई डू मेडिटेशन एंड आई डू कंट्रोल माई इरिटेटेड बिहेवियर, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके, सो मेडिटेशन इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन विच इज हेल्प फॉर यू। ओके, ऑल राइट। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे पास आपके लिए है कि दो सब्जेक्ट, जैसे इन्होंने कहा मैथ्स के बाद साइंस, ये दो ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए टीचर्स नीड बोर्ड एंड यू नीड बोर्ड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स डेफिनेटली। तो आपको ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि कैसे होगा, क्या होगा? डेफिनेटली सी, यू टोल्ड अबाउट द शेयर स्क्रीन, इवन आई हैव हर्ड, काफ़ी मैंने देखा था 10th को एक बार, मैंने रेजिस्टेंस वाला कुछ तो कंसेप्ट पढ़ाते हुए देखा 9th स्टैंडर्ड का शायद। बट देन व्हाट डू यू थिंक, इज दैट रियली हेल्पिंग यू अप टू दैट मार्क? ओके, लेट्स स्टार्ट विद हमारे जो मैथ्स के टीचर है। आपने जैसे बोर्ड बोला, उनके पास बोर्ड है, तो फिर अगर मेरे कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो फिर वो बोर्ड पे मैम करा देती है, तो फिर उससे हो जाता है। वरना फिर जो बाकी टीचर्स है वो तो स्क्रीन शेयर करके उसमें कर लेती है, तो फिर उससे एक अच्छा होता है। वरना फिर ऐसे ये कैमरा टर्न करके पेज पे लिखती है और हमको देखते है, तो फिर दैट हेल्प्स यू। यस, मैथ्स साइंस बोथ द सब्जेक्ट्स। मैम साइंस में हमको मैम जैसे क्या, हमको गार्डन में अलग अलग लीव्स दिखाने हैं, तो फिर वो लीव्स दिखाती है, फिर उसको कैमरा क्लियर करके से एक एक लाइंस वगैरह वो दिखाती है ना, किचन की थिंगी कौन थी तो वो किचन में जाके दिखाती है। तो है ना, बहुत प्रैक्टिकली होता है वो प्रैक्टिकल टीचर आपको। तो आपको ऐसे लगता है बस साइंस लैब अभी जूम पे भी आ गया है टीचर अब ये घर पे? ओके, यस मानसी।
मतलब स्टार्टिंग में जब लेक्चर्स चालू हुए थे तब मैम के पास बोर्ड नहीं था तो फिर मैम स्क्रीन शेयरिंग से बताते थे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उस टाइम पे तो फिर मैम ने जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया और हमारे लिए मतलब उनने बोर्ड लाया फिर नेक्स्ट डे से जब उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया हमें अच्छे से समझा और कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे कैमरा रखा हुआ है मैम ने और सामने बोर्ड है तो मैम लिखते हैं तो वो क्लियर नहीं दिखता है तो बोर्ड का तो फिर हम बोलते हैं जैसे मैम को तो मैम पूरी केयर लेती है कि हमें वो बोर्ड क्लियर दिखे सो मतलब वो लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं हमारे लिए स्पेशली आई वॉज वरीड फॉर मैथ्स क्योंकि उसमें सारे सम्स हम कैसे समझेंगे वो मैं क्लियर नहीं थी लेकिन फिर टीचर ने बोर्ड मंगाया ऑनलाइन ऑर्डर किया फिर उसके बाद टीचर सिखाने लगे तो वो हर एक स्टेप के बाद हमें पूछते थे आर यू गेटिंग इट एंड जब तक हमारा उनको जवाब ना मिले वो आगे का सिखाना स्टार्ट नहीं करते सबका जवाब नहीं मिले तब तक वो स्टार्ट ही नहीं करते सो टीचर सच में बहुत एफर्ट ले रहे और साइंस का मुझे अगर याद है तो एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का हमें वो सिखा रहे थे तो उन्होंने उन्होंने सच में फ्लावर लेके हमें उसके सारे पार्ट समझाए थे उसके घर पे ही लाइव आ गया एकदम लाइव वैसी ही फीलिंग आपको उधर भी आ रही थी संजना जो कि हमें पहले बहुत डिफिकल्ट लगता था बोर्ड अगर ब्लर दिख रहा है ब्लर दिख रहा है तो टीचर उसका पिक लेके हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं so that we can note it down and science की बात करें तो science की सारी जो concepts होते हैं वो हमारे घर में ही होते हैं specially physics तो मैं वैसे ही करके समझती हूँ teachers भी वही बोलते हैं कि आपके घर में जो है उससे आप practically समझ सकते हो and yeah everything is going well and I think it's helping us yeah so yes Darshit और जो हमारे maths और science की teacher है वो हमें maths के और science के दोनों के sums देती है मतलब प्रैक्टिस सम्स मैथ्स के 10 एक देती है वो एक बुक बनाने के लिए बोला है हमें उसमें क्वेश्चन हमको मैम बोलेंगी और उसके बाद अगले दिन जब नेक्स्ट पीरियड होगा तब हमको उसके आंसर्स देंगे ओके सो बेसिक यस अथर्व मैम मतलब जो मैम हमें सिखाते हैं वर्चुअल स्टडीज में कोई कोई सम्स मुझे पहले बहुत हार्ड जाता था मैथ्स पर अभी जो मैम मतलब सिखाते हैं तो उसमें बहुत मज़ा भी आता है और जैसे दर्शित ने कहा कि हमें प्रैक्टिस सम्स मिलते हैं तो उससे बहुत और प्रैक्टिस भी हो जाती है सम्स की मतलब जो समझते नहीं हो और समझ जाता है सही है यार मेरे को तो हाँ यस मानसी इवन साइंस लैब की आपने बात की तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैम हमें घर पे उनके घर पे जो अवेलेबल होता है उससे बताते हैं और फिर जैसे अगर हमें मैम चाहे कि हमें उसको और डीप में समझना है तो मैम हमें ये भी बोलते हैं कि अभी आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो तुम एक काम करना कि अपने घर में ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसमें ये चीज़ एप्लीकेबल है और फिर बाद में मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बताना तो फिर हम उसके लिए पूरा घर देखते हैं जो हम पहले कभी देखते नहीं थे और इधर उधर से चीज़ें छान मारते हैं तो फिर इसकी वजह से हमें बहुत हेल्प होती है ओके Yes, और एक इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स ग्रामर का वो सब क्लियर होना चाहिए तो फिर सर हमें इतना डीपली सिखा देते कि तो फिर उसका ग्रामर का वो करना ही नहीं पड़ता और इंग्लिश के थोड़ा okay, तो फिर so, वो सर बहुत ही अच्छे से सिखा देते ओके सो ऑल द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो गेटिंग क्लियर विद अ वेरी प्रॉपर मैनर ओके सो आई थिंक सो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जैसे साइंस लैब घर पर आ गया है मैथ जैसे डिफिकल्ट एल्जेब्रा ज्योमेट्री की कंसेप्ट भी तुम्हें अच्छे से आने लगे को भाई मुझे तो मैथ्स से बहुत डर लगता है इवन टुडे आई एम वेरी बैड एट मैथ्स बट देन स्टिल आई आपके एक्सपीरियंस सुन के आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन में भी ये सारे हार्ड सब्जेक्ट जो माना जाता है यूजुअली मैथ्स जिससे सबको ही डर लगता है वैसे सब्जेक्ट्स भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे हैं दैट इज़ व्हाट वी कैन से ओके अगर कभी लेक्चर नहीं हुआ तो क्या फील होता है आपको यस संजना बहुत बुरा लगता है कभी कभी बुरा लगता है कभी कभी अच्छा भी लगता है मोस्टली नेटवर्क इशू की वजह से हमारे लेक्चर्स कंडक्ट नहीं होते हैं एक दिन तो ऐसा हुआ था किसी का नेटवर्क स्टेबल नहीं था मतलब सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स किसी का भी नेटवर्क कंडक्ट नहीं था और उस दिन लेक्चर में बहुत कम बच्चे थे तो टीचर ने वापस वो कंसेप्ट दूसरे दिन सिखाया या फिर टीचर ने ऐसा किया कि जो मेन कॉन्सेप्ट था जो ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था या जो इम्पोर्टेंट था वो रहने दिया और सिंपल से एक रीडिंग ले ली क्योंकि सारे बच्चे लेक्चर में नहीं थे तो बुरा लगता है और
यस मानसी यस मैम, जैसे हमारे लेक्चर मंडे टू सैटरडे रहते हैं और हमें संडे को छुट्टी रहती है, तो संडे को हम लोग जैसे उठते हैं तो लेट उठेंगे एकदम, और फिर बाद में ऐसे घर में ऐसे पागलों की तरह तो बहुत बोर होता है तब, और तब संडे के दिन बहुत बोर होगा, लेकिन जैसे कोई हॉलीडे रहा तो जैसे वो मंडे टू सैटरडे के बीच में जो हॉलीडे आएगा ना, तो उस दिन बहुत खुशी हो जाती है कि आज छुट्टी है। ओके, जैसे नॉर्मल स्कूल में हमें फील हो रहा है संडे तो ठीक है यार, बट ओके संडे को बोर होता है और बाकी कोई दिन छुट्टी मिल गई तो मजा आता है। अच्छा, मजा आता है। पहले तो हम 5 घंटे स्कूल में जाते थे तो वो बहुत बोर होता था। अच्छा। और बस एक संडे ही था। अच्छा। जब मजा आता था लेट उठना। हाँ। अभी जो वर्चुअल स्टडीज है उसमें बहुत मजा आ रहा है, तो जब छुट्टी मिल जाती तो मतलब बोर होता है बहुत की, मतलब और होना चाहिए, संडे को भी होना चाहिए। अच्छा यार, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्कूल में आते थे That time you used to say, यार क्या रोज सुबह उठ के स्कूल आना, अभी ऐसी मस्त लंबी छुट्टियां। अच्छा, सिर्फ सुबह उठना वाज प्रॉब्लमेटिक, बट अब तो तुमको मिल गई है ना यार छुट्टियां, तो फिर अब ऐसे क्यों लगता है कि स्कूल आना चाहिए? हाँ, अभी लगता है ना स्कूल आना चाहिए। एक्चुअली जब हमारे 9th के फाइनल एग्जाम्स हुए थे तो मतलब हमने अपने सीनियर से सुना था, तो फिर हम सब लोग जैसे फाइनल एग्जाम का लास्ट दिन था उसे सब लोग ग्रुप बना के डिस्कस कर रहे थे कि यार अभी तो 10 दिन की छुट्टी है, अप्रैल से वापस स्कूल चालू हो जाएंगी, और सीनियर्स तो बोल रहे थे कि पूरा अप्रैल बहुत बोर होता है, फिर सिर्फ मई में छुट्टी मिलेंगी, वापस जून से क्लासेस। हाँ। तो हमें क्या पता था इतनी लंबी छुट्टियां मिल जाएंगी। तो अभी तो मजे ना, लंबी छुट्टी मिल गई 10th वाले। हम हमेशा प्रे करते थे छुट्टी मिल जाए, लेकिन ये प्रेयर जरा ज्यादा गॉडलाइक हो गई, ज्यादा ये कर बहुत ही लंबी हो गई, बहुत ही लंबी, स्कूल चालू हो जाए। ओके, लेट्स होप कि स्कूल जल्दी चालू हो जाए। यस दर्शित, जैसा कि दीदी ने बोला कि एक दिन नेटवर्क अटक गया था, वैसे हमारे मैथ्स का या फिर साइंस का एक पीरियड था उसमें नेटवर्क इतना अटक गया था कि मैम की आवाज क्लियर ही नहीं आ रही थी, तो फिर नेक्स्ट डे मैम ने वही कॉन्सेप्ट हमको वापस से वही तरीके से सिखाया। ओके, सो बेसिकली आपकी स्टडीज भी कवर हो गए। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि बाय द वे ऑडियंसेस, वंस अगेन आप लोगों को हमने पहले कुछ 3 सवाल पूछे हुए थे, और वो सवालों के जवाब हम आप लोगों को कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग ज़रूर डेफिनेटली हम लोग उसके विनर्स भी आखिरी में डिक्लेयर करने वाले थे, बट उससे पहले हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन ये बच्चों से लेंगे, दैट What is the single or one message would you like to give to all the students जो online lectures कर रहे हैं, ऐसा क्या message आप लोग देना चाहोगे? एक एक करके जाते हैं हम लोग, so can we start from there? Yeah. One message I would like to give to all the students over there, that please do not at all take your studies lightly, because everything is important for you, for your future. So yeah, don't take your studies lightly, understand all the concepts very much clearly. ये कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप ये क्या बोलते हैं क्लासेस जो रहते हैं इसे मतलब ट्रांसपेरेंट नंबर के नहीं, ओके, वो कभी कभी आपको अगर आई दुख रही हो तो फिर आप वो पहने, और आप अपने क्लास का वर्क बड़े ही अच्छे से करिए। ओके राजवीर, फॉर आई प्रॉब्लम के लिए 1 मीटर की डिस्टेंस, एंटी ग्लेजर ग्लासेस यूज करें, कंफर्टेबली बैठे, उससे आई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फिर वही कहना चाहूँगा कि आई प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, और वो चिड़चिड़ भी कम होती है उससे, तो वही कि 1 मीटर की डिस्टेंसिंग, कंफर्टेबली बैठना, तो स्क्रीन टाइम फॉलो कीजिए, उससे भी आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहेगी अच्छे से। या जस्ट वी विल गो विद द सीक्वेंस। यस, आई विल जस्ट गिव द मैसेज दैट डोंट टेक द स्ट्रेस, enjoy your studies and maintain your health. Okay, yes, Atharva. मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब आंखें दुखती है तो मतलब हमारे प्रिंसिपल मैम ने बताया एक वीडियो बनाया, तो वो भी बहुत अच्छा है कि मतलब 1 मीटर की दूरी रखो, और मतलब मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइटली मतलब पढ़ाई को मतलब अच्छे से पढ़ाई करे। या एंड मानसी, सो आई वांट टू टेल दैट अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, ऐसा नहीं है कि ये अभी लॉकडाउन हुआ तो ये कभी खुलेगा ही नहीं, खुलने भी वाला है, आपके एग्जाम्स भी होगी, अभी भी हो भी रहे हैं, अनलॉकिंग फेज स्टार्टेड। या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और
जैसे अलग अलग आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सब करिए. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पहले जब स्कूल्स फिजिकली होते थे तब बच्चे घर पे जाके बहुत मोबाइल खेलते थे. सो अभी मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी आपकी क्लासेस मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पे हो रहे हैं, तो आपको जो गेम खेलना है उसको कम करके अपने हॉबीज की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आपको आँखों के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आए. या सो आप और किसी को कुछ कहना है? नहीं, फाइन. सो डेफिनेटली ये बच्चों ने आप सभी को और हम सभी को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है. इस पैंडमिक में भी सभी ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की है, फिर चाहे क्रिएटिविटी हो, हॉबीज़ हो, स्टडीज़ हो, स्कूल का इम्पोर्टेंस हो, फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस हो, टीचर्स का इम्पोर्टेंस हो, सभी चीज़ें ये लोगों ने रियलाइज़ किए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. और इन्होंने ही नहीं, आप सभी लोगों ने, यानी जितने भी स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर है, आप अगर हमें देख रहे हैं, तो आपने भी ये सारी चीज़ें डेफिनेटली रियलाइज़ की होगी, ये महसूस किया होगा. यू माइट फील कनेक्टेड वॉट एवर दे सेड, बट आफ्टर ऑल ये काफ़ी सारी कॉमन सी चीज़ें थी जो हर स्टूडेंट फील कर रहा है वहाँ पर. सो आई होप कि इट वॉज़ अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विथ यू ऑल एंड एवरीबडी हैज़ एन्जॉयड द सेशन. बट बिफोर कंक्लूडिंग, हम लोगों ने जैसे आपको तीन सवाल पूछे थे ऑडियंसेस को, तो उसके विनर्स हम लोग अभी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे. जो पहला क्वेश्चन था, विच हु वन द आई पी एल मैच यस्टरडे, सो इट वॉज, इट्स आंसर वॉज KKR एंड द विनर वॉज मिस्टर द्वारकाधीश जोशी. द्वारकाधीश जोशी जो, इन्होंने इसका सही जवाब दिया है. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ COVID-19 वॉज फाउंड इन इंडिया वेन एंड वेयर, सो इसका आंसर था केरला तिरुवनंतपुरम ऑन पूनम January 30, 2020 एंड इसका आंसर दिया था मिस्टर प्रकाश पाटिल ने. सो मिस्टर प्रकाश पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आपने इसका सही जवाब दिया था सबसे पहले. एंड देन देर वॉज अ थर्ड क्वेश्चन, वॉलीबॉल गेम ओरिजिनेट कहाँ था, इट वॉज इन USA, सो इसका मैसाचुसेट में इसका ओरिजिन हुआ था. सो इसका जो आंसर है वो दिया था अशोक कृपलानी जी ने. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स, मिस्टर द्वारकाधीश जोशी, मिस्टर प्रकाश पाटिल एंड अशोक कृपलानी जी. तो आप आपके प्राइजेस मंडे को ज़रूर आइएगा स्कूल में, उज्जवल स्ट्रॉडर इंटरनेशनल, और 10 से 12 के बीच में आप लोग ये प्राइजेस कलेक्ट कर सकते हो. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड ऑल द ऑडियंसेस हु हैव जॉइंड टुडे ऑन दिस फेसबुक विद अस ऑन दिस एजुटॉक शो विद दिस beautiful kids. Thank you once more for joining, and that's here we conclude. So till fine, take care and bye bye.